अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका हर दिन खुशियों से भरपूर हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए मैंने तकरीबन सब तैयारी कर रखी है पहले से। पालक मैंने बॉईल कर ली थी, तो इसको मैंने किस तरह बॉईल किया ये मैं आपको भी बताती हूँ। पालक में 1 कप 2 इसमें मलाई है, ये मैं डालकर इसको पका लूँगी। और इसको पकने के लिए मैं 5 से 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी, तो पालक गल जाएगी। इसके बाद प्याज फ्राई करने के लिए मैंने इसमें डाला है ऑयल, और मैं प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी जैसे मसाला भूनने के लिए हम फ्राई करते हैं। जब इसका हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने टमाटर, और इसको मसाले ऐड करने से पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। अभी हम नमक इसमें नहीं डालेंगे, अभी हम डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और सूखा धनिया। हाँ, पालक में नमक आप थोड़ा बाद में डालें, चख कर डालें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो अक्सर नमक तेज़ होने का ख़तरा रहता है, इस वजह से ना थोड़ी एहतियात करना मुनासिब है। अब मैं इन सबको थोड़ा सा भूनूंगी इस मसाले को, तो इसको भून लेने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन मैंने डाल दिया है, अब चिकन को भी अच्छी तरह भून लेंगे कि चिकन का पानी वगैरह अच्छे से खुश्क हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। जब ये अच्छा सा दानेदार सा हो जाए तो फिर हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, वो जो दूध था वो थोड़ा सा मैंने इसमें रहने दिया ताकि जब हम इसको दम लगाएं तो हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड ना करना पड़े। अभी हम पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसका नमक चखेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, चखा मैंने थोड़ा कम था तो ज़्यादा डालने की नहीं ज़रूरत पेश आई, बस थोड़ा सा। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और फिर इसको मैं दम लगा के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जब हम दम खोलेंगे तो इस तरह ये अच्छे से पानी इसका थोड़ा खुश्क हो गया है, मैंने आँच तेज़ कर दी थी। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो हमारा चिकन पालक बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए इसके फाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी और बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।